नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मास्टर जी चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो हीरो ग्लैमर है उसी का जो डिजिटल मीटर है उसी के ऊपर। ये जो मीटर आप लोग देख रहे हैं ये कुछ टक्कर के वजह से, एक्सीडेंट के वजह से या कुछ बाइक गिरने की वजह से टूट गया है और इसके अंदर पानी चला गया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं इसका कवर खोल चुका हूं और इसका पीसीबी हम लोग देखेंगे कि पीसीबी में क्या प्रॉब्लम है और क्यों ये मीटर डेड हुआ है, कौन सा कंपोनेंट इसमें ख़राब हुआ है और क्या कुछ अलग इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको हम लोग डिटेक्ट करेंगे। तो ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसका कवर, पीछे का जो कवर है वो पूरा टूट चुका है, तो इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। नया कवर मिल रहा है शोरूम में और आफ्टर मार्केट कोई भी अगर लोकल में आपका बाइक पॉइंट है, मतलब जो स्पेयर जो लोग रखते हैं उनके पास ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए पहले इसका जो नीडल है उसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम लोग जो मीटर का केस है, ऊपर का जो डायल है, उसको खोल के देखेंगे कि पीसीबी में क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो इसमें दो नट लगा है, इसको आप आसानी से खोल सकते हैं क्योंकि इस टाइप का जो मीटर होता है इसका केस में काफ़ी सारा बोल्ट रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो इसलिए मैंने पहले ही जो कवर है वो खोल रखा था। तो चलिए ये जो चार क्लाम्प है इसको सीधा करेंगे और डिस्प्ले को हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए भी कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आप किसी भी प्लेयर के सहायता से इसको सीधा कर देंगे चारों को, तो ये आसानी से बाहर निकल आएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आसानी से ये अंदर की तरफ जब आप लोग पुश करेंगे तो ये आसानी से बाहर निकल आएगा। ये देखिए सीधा हो चुका है। अभी आप थोड़ा सा खींचने से दोनों प्लेट को, मतलब पीसीबी को और जो उसका डायल है उसको खींचने से ये आपस में अलग हो जाएंगे। और ज़्यादा खींचने की कोशिश ना कीजिए क्योंकि शायद ही जो क्लाम्प है वो फंसा होगा कहीं पर, तो उसको फिर से चेक कीजिए सीधा है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है फिर से उसको सीधा करके आप खींचने से ये आसानी से निकल आएगा। ये लीजिए पीसीबी और डायल इसका अलग हो चुका है। अभी हम लोग पीसीबी को टेस्ट करेंगे कि पीसीबी में क्या परेशानी है। पहले हम लोग चेक करेंगे इसमें परेशानी क्या है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका जो पीसीबी के जो ट्रैक हैं वो सड़ चुके हैं, मतलब ये पानी की कॉन्टैक्ट में आ चुका है, काफ़ी सारा पानी इसमें जमा हुआ था शायद ही, क्योंकि इसका जो ट्रैक है वो सड़ चुके हैं, इसका कलर जो है वो उखड़ चुका है और जो कॉपर का ट्रैक है वो भी सड़ चुके हैं। मैं आपको थोड़ा खुरेद के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इसमें कैसे स्क्रैच हो रहा है, मतलब ये ऊपर का जो लेयर है ये ख़राब हो चुका है, फिर भी हम लोग इसको सही करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें जो कुछ भी मैंने किया है सारा, जो भी कुछ इसमें कंपोनेंट मैंने चेंज किया है, जो भी प्रोसेस है उसका सारा कुछ मैंने इस वीडियो में दिया है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि कोई भी जानकारी मैंने कट नहीं की है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है आप लोग पूरी वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये कैपेसिटर फुला हुआ है, मतलब ये कैपेसिटर बर्न होके ख़राब हो गया है, दोनों कैपेसिटर ख़राब हो चुके हैं पानी के कांटेक्ट में आने से या शॉर्ट सर्किट की वजह से मालूम नहीं, लेकिन ये कैपेसिटर सड़ चुके हैं। दोनों ही वजह से कैपेसिटर सड़ जाते हैं और ज़्यादातर पानी के कांटेक्ट में आने से इलेक्ट्रॉनिक का जो कंपोनेंट है वो ज़्यादातर ख़राब होते हैं। ये देखिए आप इसका जो लेग है ये सड़ चुका है, अंदर मिट्टी जैसा निकल रहा है, ये पानी के साथ जो धूल होता है वही अंदर घुस गया है इसका, वो इसको शॉर्ट सर्किट करके ख़राब कर दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले रिप्लेस करेंगे क्योंकि अगर हम इसी बोर्ड में पावर दे देंगे तो शायद दूसरा कोई कंपोनेंट सही भी होगा वो भी ख़राब हो सकता है। तो पहले आंखों खाली आंख से आप देख लीजिए पीसीबी को, जो भाई लोग ये सब काम कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, तो पहले खाली आप देखिए क्या क्या कंपोनेंट कहीं फूला तो नहीं है, कहीं फटा तो नहीं है,
तो उसको पहले ट्रेस कीजिए बिना बोर्ड को पावर दिए। उसको रिप्लेस करने के बाद आप पावर दे सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पावर दे देंगे तो जो भी कंपोनेंट उसमें सही होगा शायद वो भी खराब हो सकता है। चलिए इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने से हमको मालूम पड़ेगा कि इसका जो ट्रैक है वो सही है या वो भी उखड़ चुका है। तो पहले इस दोनों को हम लोग रिप्लेस करेंगे, उसके बाद इसमें पावर देके चेक करेंगे। तो इसका जो कंपोनेंट है आप ऑनलाइन से परचेज कर सकते हैं, जो लोकल ऑनलाइन स्टोर है जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये रहा, मैं इसका जो पुराना वाला है इसको मैं रिप्लेस कर चुका हूँ, मतलब उसका जो बेस था उसको हटा चुका हूँ। अभी मैं इसको इसमें नया डालने वाला हूँ। तो चलिए अब तो एक बार देख लीजिए। सॉरी, ऐसा ये बैठता है, नीचे की तरफ दो लेग निकला हुआ मतलब निकले हुए होते हैं। तो ये प्लास्टिक के ऊपर ये कैपेसिटर बैठता है पीसीबी में। तो चलिए नया निकालते हैं और इसमें इंस्टॉल करके उसके बाद हम लोग पावर देके उसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा पावर देने से प्रॉब्लम हो सकता है। और एक टिप्स मैं देना चाहूँगा, यहाँ पर सबको बोलना चाहूँगा, अगर आपके बाइक में या मीटर में, मीटर के बाइक में, जो बाइक के मीटर में अगर पानी चला जाता है किसी वजह से, कहीं टक्कर हो गया उसके वजह से, या वॉशिंग पॉइंट में जब आप जाते हैं उसके वजह से, तो तुरंत ही उसका जो पावर सॉकेट है उसको निकाल दीजिए बाइक से। उसको करंट के जो प्लग रहते हैं उसका, ठीक है ना, वायरिंग के साथ उसको निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको निकालेंगे नहीं तो वो ज़्यादा कुछ परेशानी करने वाला है, मतलब ज़्यादा कंपोनेंट उसमें ख़राब होने हो जाएगा। तो अगर आप निकाल देंगे उसको तो वो बचा रहेगा, बाद में आप उसको सुखा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट आपका ख़राब नहीं होगा। अगर आप तुरंत कोई एक्शन लेते हैं, उसको निकाल देते हैं, अगर ऐसा ही आप चलाएंगे उसमें पानी घुसा होगा, आप चलाते रहेंगे तो आप समझेंगे हाँ ख़राब तो हो गया है, चलो चलाते हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर ठीक भी होगा, अगर कम पैसा में भी वो रिपेयर हो सकता है तो पूरा वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा करने से ये परेशानी होता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर पानी घुसता है तो उसको तुरंत ही अनप्लग कीजिए, मतलब करंट से उसको डिस्कनेक्ट कीजिए। ये लीजिए, ये मेरे पास नया है, दो पीस वही सेम वैल्यू का, एक में आपका लगेगा 6 वोल्ट का, एक में लगेगा 10 वोल्ट का। ठीक है, ये देखिए ये नया वाला है, और जो सिंगल पीस में है जिसमें बेस नहीं है वो पुराना वाला है, ठीक है ना। ये देखिए, तो इसको हम लोग रिप्लेस करके उसके बाद पावर, ऐसा ये बैठा रहता है जैसे नया में आप लोग देख रहे हैं वैसा ये बैठा रहता है। सॉरी, इसका एक लेग भी यहाँ पर फंसा हुआ है, मतलब ये टूट के यहाँ पर फंसा हुआ है, तो ऐसा कंडीशन इसका था। तो आप लोग दूसरा जो कैपेसिटर है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो जनरल कैपेसिटर है, लेकिन उसमें क्या होता है कि 6 वोल्ट का आता नहीं है, जनरल कैपेसिटर शायद ही 6 वोल्ट का नहीं है, 10 वोल्ट का आपको मिल जाएगा, 2.2 EF का आप लगा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे अवेलेबल है, आप आसानी से परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक पीस या दो पीस नहीं मिलेगा, आपको मिनिमम 30 पीस खरीदना पड़ेगा। जो भाई लोग प्रोफेशनल हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, अगर कोई भाई लोग ये सब प्रिपेयर कर रहे हैं उनको दिक्कत हो रहा है स्पेयर के वजह से, तो वो लोग आसानी से उसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इसको सोल्डर करके उसके बाद मैं आपको पावर देके इसको दिखाता हूँ। लीजिए, ये सोल्डर हो चुका है, दोनों जो कैपेसिटर है उसके जगह में हम लोग नया रिप्लेस कर चुके हैं। अभी हम लोग इसको थोड़ा पावर देके टेस्ट करेंगे कि इसमें परेशानी क्या है। चलिए, तो पावर कनेक्शन हो गया है, अभी हम लोग इसमें पावर देंगे। चलिए इसमें पावर देके देखते हैं लाइट वगैरह आती है या नहीं आती है। तो पहले हम लोग को मालूम करने के लिए कि हाँ ये सही है कि नहीं है, मतलब क्या होता है कि अगर मीटर में आप लोग कोई भी पावर कंपोनेंट, मतलब पावर ऐसी ख़राब है आपने रिप्लेस कर दिया, तो उसके बाद आपको मालूम नहीं पड़ेगा, जब तक आप डिस्प्ले फिट नहीं करेंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पूरा सही हुआ कि नहीं हुआ है, क्योंकि लाइट वगैरह तो जलती है, लेकिन जब डिस्प्ले हम लोग फिट करते हैं वहाँ पर डिस्प्ले में कुछ डिजिट नहीं आती है, तो वही परेशानी रहती है। तो जैसे कि ये देख रहे हैं आप, इसमें पावर आ चुका है,
मतलब जो डिस्प्ले का लाइट है वो ग्लो कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ठीक हो गया है। जब तक डिस्प्ले इंस्टॉल ना हो चुका उसके बाद अब पता कर सकते हैं कि हाँ ये सही हो चुका है। और निडिल जो है वो निडिल भी आप डाल के उसमें मालूम कर सकते हैं। अगर निडिल घूमता है तो भी मीटर ठीक सही रहेगा, लेकिन डिस्प्ले जब तक नहीं आता है तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये ठीक हो चुका है। तो डिस्प्ले लगा के ही चेक करना पड़ता है। जैसे कि इसमें लाइट आ गई लेकिन डिस्प्ले में कोई हरकत नहीं है। मैं आपको निडिल लगा के भी दिखा देता हूँ, क्योंकि निडिल के साथ इसका डिस्प्ले का कनेक्शन है। निडिल जब तक काम नहीं करेगी डिस्प्ले काम नहीं करेगी। ये देखिए लाइट लाइट चल रही है, लाइट आ रही है, लेकिन डिस्प्ले में कोई हरकत नहीं। और निडिल में भी जो उसका रीडिंग जो किलोमीटर का उठता है उसका जो निडिल है उसमें भी कोई हरकत नहीं है। ये देखिए, तो इसको खोल के हमको फिर से पीसीबी को चेक करना पड़ेगा कि पीसीबी में और क्या फॉल्ट है। क्योंकि जो इंडिकेटर लाइटें जलती है बोर्ड में मीटर में उसका सेक्शन अलग होता है, और जो निडिल और जो डिस्प्ले होता है उसका सेक्शन डायरेक्ट आईसी के साथ रहता है। जो प्रोसेसर आईसी रहता है उसके साथ उसका कनेक्शन रहता है। तो हम लोग पहले उसको चेक कर लें कि वोल्टेज जो हमको चाहिए वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो चलिए पहले इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वोल्टेज हमको मिल रहा है, जी हाँ यहाँ पर हमको 8 वोल्ट मिल रहा है। फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे मेन कैपेसिटर पर, यहाँ पर हमको 8 वोल्ट समथिंग चाहिए, ये भी बन रहा है। यहाँ पर भी 4 से 5 वोल्ट चाहिए, बन रहा है, मतलब सही है, कैपेसिटर हमारा ठीक से काम कर रहा है। अभी हम लोगों को टेस्ट करना है कि आईसी में करंट जा रही है या नहीं जा रही है, और रास्ते में कुछ परेशानी अगर नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका ट्रैक जो है वो सड़ चुका है, तो इसका भी मुझे डाउट है कहीं पर ट्रैक सड़ गया है तो करंट नहीं पहुंच रहा होगा। तो चलिए चेक करते हैं एक एक करके। तो पहले हम लोग इस सेक्शन में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमको वोल्टेज मिल रहा है 8 वोल्ट के आसपास, और इसमें हमको 14 वोल्ट चाहिए, 14 वोल्ट मिल रहा है, मतलब ये आईसी जितना पावर हमको चाहिए वो बना रही है। दो लेग में 8 8 वोल्ट, और इसका जो बीच का लेग है उसमें आपको मिलेगा 14 वोल्ट, ठीक है। इसमें हमको वोल्टेज नहीं मिल रही है, क्योंकि इसको भी चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी फ्यूज़ का काम करता है। 0 ओम्स इसमें लगा है, ठीक है। रजिस्टर जो है वो एक्चुअली आपका फ्यूज़ का काम करती है। तो इसको हम लोग टेस्ट कर लिए, ये सही है। फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे, इसमें भी 14 वोल्ट मिल रही है, इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर वोल्टेज ठीक दिखा रही है, मतलब ये सही है। जैसे कि आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखाने की, मतलब पास से क्लोज व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा वो दो रजिस्टर जो 0 ओम्स 0 ओम्स का वैल्यू रखती है। 0 ओम्स यानी उसमें कुछ मतलब रजिस्टर नहीं बनता है, ये डायरेक्ट फ्यूज का काम करता है, और यहाँ से होकर आईसी को डायरेक्ट वोल्टेज देता है। और आईसी के एक लेग में आपका 14 वोल्ट जाएगा, और बाकी जो 4 लेग हैं उसमें आपका 4 से 5 वोल्ट इनपुट होगा। मैं दिखाऊंगा आपका कौन सा वो लेग है। तो पूरा देखने के लिए, आपको जानकारी के लिए पूरा देखना पड़ेगा वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा जानकारी जितना भी जानकारी मेरे से हो सका मैं दिया है, उसमें देने की कोशिश किया है, जो कि आपका बहुत ही काम में आएगा। क्योंकि ज़्यादातर इस आईसी आपका ये जो आईसी है आपको हीरो के मीटर में मिल जाएंगे, ग्लैमर वगैरह के, हीरो पैशन प्रो में मिल जाएगा, और आपका होंडा का जो होंडा साइन है उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फिर से टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको वोल्टेज चाहिए 14 वोल्ट के आसपास, तो देख सकते हैं ये यहाँ पर 14 वोल्ट मिल रहा है, 14 वोल्ट यहाँ पर भी हमको वोल्टेज मिल रहा है, 9 वोल्ट यहाँ पर भी 9 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पर 14 वोल्ट पहले भी मैंने चेक किया, फिर से आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हमको वोल्टेज 14 वोल्ट चाहिए। ये ज़रूर हमको 14 वोल्ट चाहिए, अगर 14 वोल्ट नहीं मिलता है तो ये फंक्शन नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पर 14 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो किस वजह से ड्रॉप हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। पहले दूसरा लेग को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर एक रजिस्टर रहता है जो कि पैरेलल रजिस्टर बोलते हैं उसको, उसका 3 इनपुट 3 आउटपुट होता है,
ठीक है, यहाँ पर भी वोल्टेज हमको नहीं मिला 4 वोल्ट जो मिलना चाहिए, तो ये सेक्शन में परेशानी है। ठीक है, ये तो इनपुट तो ले रही है लेकिन आउटपुट नहीं दे रही है, मतलब इसमें एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगा रहता है, रेगुलेटिंग स्विचिंग ट्रांजिस्टर, वो इनपुट लेके आउटपुट को सप्लाई देती है जब भी आप की ऑन करते हैं तभी, तो ये फंक्शन नहीं कर रही है शॉर्ट सर्किट की वजह से, या पानी में जब भी पानी के कॉन्टैक्ट में जब मीटर आया तभी ये उड़ गया होगा। तो इसको हम निकाल के उसको रिप्लेस करके फिर से हम लोग टेस्ट करेंगे कि हाँ 14 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए उसको निकालते हैं पहले, और निकालने के लिए कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आप जनरल सोल्डरिंग आयरन जो होता है जैसा मैं यूज कर रहा हूँ आप उससे उसको निकाल सकते हैं। तो पहले रजिस्टर को हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि रजिस्टर भी फॉल्ट है, इसका नंबर है 333 333, यानी आपका 33 किलो ओम्स। असेंबली में आपको नंबर मिलेगा 333, अगर आप जनरल रजिस्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 33 किलो ओम्स का रजिस्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग असेंबली ही यूज करेंगे क्योंकि मेरे पास असेंबली है। तो दोनों लगे रहते हैं, सीरीज में रहते हैं, पैरेलल नहीं, तो दोनों को हम लोग रिप्लेस कर देंगे ताकि कोई परेशानी ना हो बाद में। उसके बाद स्विचिंग ट्रांजिस्टर को भी हम लोग निकालेंगे। ये रहा दूसरा, इसका नंबर भी 33 है, मतलब 333, तो ये 33 किलो ओम्स हुआ। आपको दिखाने की थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी शायद ही ना दिखाई दे क्योंकि बहुत छोटा कंपोनेंट है, और कैमरे के साथ इसको दिखाना, कैमरे के लेंस में इसको दिखाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको भी निकालेंगे, इसका नंबर भी मैं आपको बताऊंगा कितना नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इक्विवेलेंट क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको पहले कंटिन्यूटी मोड में डाल के चेक कर लेते हैं, एक बार पोलैरिटी को उल्टा करके चेक करेंगे। यहाँ पर पोलैरिटी उल्टा करने से ये दिखा रहा है वोल्टेज, लेकिन दोनों साइड में हमको 600 600 चाहिए, लेकिन एक साइड में 600 और एक साइड में वो 16,000 समथिंग का रीडिंग आया था, तो ये गड़बड़ है, इसको भी हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए इसको उठाते हैं, इसको भी आप लोग ये जो जनरल सोल्डरिंग आयरन के साथ उठा सकते हैं सॉरी, कोई परेशानी नहीं होगा। ज़्यादा देर उसको टिप को ना लगाइए उसके साथ, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। जितना जल्दी हो सके उसको गर्म करके हटा लीजिए वहाँ से, ले लीजिए। ये आपका नंबर है PMR5 लिखा हुआ है, सॉरी PMR12 है ये, इसके जगह में आप लोग PCR और PCM12 या 5 या 6 यूज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी ना समझ आए या आपको कोई मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका कंपोनेंट का नंबर, इक्विवेलेंट नंबर बता दूंगा जितना जल्दी हो सके। तो चलिए हम लोग 3 कंपोनेंट इसमें हटा दिए, अभी हमको 3 नया कंपोनेंट डालना पड़ेगा। तो चलिए उसको पहले छाट लेते हैं, मतलब खोजते हैं, क्योंकि छोटा छोटा कंपोनेंट है, आँख से देखना मुश्किल है, उसको थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देखने से आसानी होती है। तो चलिए, ये रहा एक 330 हमको चाहिए, मतलब सॉरी 33 चाहिए, मतलब 333 चाहिए, क्योंकि इसको अगर अलग आप लगाते हैं कोई दूसरा नंबर तो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि 14 वोल्ट का ऑपरेशन करता है ये, ऑपरेट करता है। अगर 3 4 या 5 वोल्ट होता तो ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, मेन वोल्टेज का सप्लाई है ये आईसी के अंदर। ये एक मिल गया है मुझे, तो पहले हम लोग ये ट्रांजिस्टर को चेंज कर देंगे, उसके बाद रजिस्टर को इंस्टॉल करेंगे। ये रहा ट्रांजिस्टर, इसको आराम से बिठाएंगे उसके ऊपर और एक एक लेग को सोल्डर मारेंगे, आसानी से हो जाएगा, कुछ परेशानी नहीं है। चलिए इसको सोल्डर करते हैं, अभी जितना जल्दी हो सके उसको
टिप को लगाइए, उसको हटा लीजिए, नहीं तो जो ट्रैक है एक तो वो सड़ चुके हैं पानी की वजह से, अगर आप ज़्यादा देर उसको लगा कर रखेंगे, हीट ज़्यादा मारेंगे तो वो उखड़ आएगा, फिर आपको जम्पर करना पड़ेगा या फिर से उसको परेशानी में आपको डाल सकता है ये। तो जितना जल्दी हो सके उसको सेट होने के बाद उसको हटा लीजिए। लीजिए, लगभग ये हो चुका है, फिर भी थोड़ा चेक कर लीजिए तीनों लेग उसका जो पीसीबी के साथ कांटेक्ट में है कि नहीं है। अगर एक भी लेग उठा हुआ होगा या कांटेक्ट में नहीं होगा, अगर आप पावर दे देंगे तो वो फट जाएगा, मतलब वो ख़राब भी हो सकता है, फट भी सकता है, क्योंकि तीनों तीनों लेग में इसका पावर बनता है, इनपुट आउटपुट रहता है उसमें। तो ये परेशानी है, ये हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको साफ़ करने के बाद आपको मैं पूरा दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें जो सोल्डरिंग का जो फ्लक्स लगा है इसके वजह से ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए इसमें हम इसको डाल देते हैं जो कंपोनेंट मैंने निकाला था, उसके बाद मैं आपको साफ़ करके उसको फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को मालूम पड़ सके कि हाँ इसमें दो रेजिस्टर लगा है, यही परेशानी है इसमें। और ये रहा जो रजिस्टर हम लोग चेंज करने वाले हैं, दोनों रजिस्टर हमको ढूंढना है यहाँ पर, 33 किलो ओम्स का। ये रहा एक, थोड़ा देख लें, ये एक रहा 33 ओम्स का, तो इसको पहले बिठा लेंगे उसके बाद दूसरा बिठा लेंगे। वही सेम प्रोसेस आपको दोहराना है, उसको नाखून की सहायता से या आपका जो ट्विजर है ट्विजर की सहायता से पकड़ के रखना है, उसके बाद उसको दोनों साइड को शोल्डर मारना है। मैं थोड़ा आपको दिखाने के लिए शोल्डर कर रहा हूँ एक हाथ से, नहीं तो और भी जल्दी होता, ताकि आप लोग भी इस तरह से शोल्डर कर सकें। जो नए भाई लोग हैं और जो कोई प्रोफेशनल है तो उन भाई लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग आसानी से उसको शोल्डर कर लेंगे। सॉरी, लगभग हो चुका है एक, और अभी दूसरा हमको इंस्टॉल करना है इसमें। ये रहा दूसरा, चलिए उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। थोड़ा प्रोसेस लेंदी है लेकिन आसानी से हो जाएगा, आप हड़बड़ी में उसको लगाएंगे तो दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, तो आसानी से उसको टाइम लेके, अपना टाइम लेकर आराम से उसको इंस्टॉल कीजिए, मतलब बिठाइए पीसीबी में, तो कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं तो अगर आप हड़बड़ी में उसको लगाने की कोशिश करेंगे तो वो जॉइंट हो सकती है आपस में, उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो लीजिए ये ऑलमोस्ट बैठ चुका है, ये देखिए ये पहला वाला है और दूसरा वाला, उसके पास में गैप भी है, गैप होना चाहिए क्योंकि वो पैरेलल नहीं है, सीरीज में है। ठीक है, तो और एक चाहिए हमको, वही सेम प्रोसेस उसमें दोहराना पड़ेगा। ये रहा दूसरा वाला, काफ़ी छोटा है ये, तो असेंबली शायद थोड़ा बड़ा रहता है लेकिन ये उससे भी छोटा है, इसलिए शायद ये कट गया या इसके ऊपर काफ़ी लोड पड़ गया शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिसके वजह से ये ख़त्म हो गया। इसमें मतलब ये पावर इनपुट तो लेता है, ले रहा है, लेकिन आउटपुट में कुछ दे नहीं रहा है। 14 वोल्ट इसमें सप्लाई देना है, इनपुट में 14 लेगा, आउटपुट में भी 14 देगा, मतलब एक प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है, तो वही इसका काम है, आईसी को बचाना। और 99 केस में ये सब बोर्ड जो होता है इसमें आईसी ख़राब नहीं होती है, अगर सही जानकारी ना हो, बिना जानकारी के आप इसके साथ छेड़खानी करेंगे तो शायद आपका आईसी उड़ सकता है। तो इसमें शायद आईसी बचा है, हम लोग देखेंगे उसको।
इसको इंस्टॉल करने के बाद, रिप्लेस करने के बाद टेस्ट करेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो इसको थोड़ा मैं साइज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये आपस में जुड़ सकता है, बहुत ही कम जगह है दोनों के बीच में। सॉरी, लगभग हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसको टेस्ट करेंगे थोड़ा साफ करके, क्योंकि अगर साफ नहीं किया तो उसमें जो फ्लॉक्स लगा रहेगा वो बाद में उसमें मॉइस्चर पैदा कर सकता है और उसको दोबारा ख़राब कर सकता है। तो इसलिए उसको थोड़ा थिनर से साफ करने से उसका जो फ्लॉक्स है वो निकल जाएगा। ये रहा, ये आप देख सकते हैं, अभी आपको शायद दिखाई देगा क्योंकि ये साफ़ हो चुका है। ये देखिए, ये है आपका स्विचिंग टेस्टर, ये है 33 ओम्स, उसके नीचे भी 333 ओम्स, मतलब और नीचे भी 333 ओम्स, वो 33 ओम्स है। लेकिन SMD का नंबर मैंने आपको बोल दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। तो चलिए, ये भी लग गया, ये भी लग गया और ये भी रिप्लेस कर दिया। मतलब इसमें 2 कैपेसिटर, 1 स्विचिंग टेस्टर और 2 रजिस्टर, वो हमने रिप्लेस किया। ये रहा जो रिप्लेस हुआ आइटम, ये रहा स्विचिंग टेस्टर, ये रहा 2 रजिस्टर, देख सकते हैं आप। ये देखिए, यहाँ पर आपको शायद ही दिखाई दे इसका नंबर क्योंकि थोड़ा क्लियर है। ये देखिए 333, मतलब 333 जनरल रजिस्टर इसका होगा, 33 किलो ओम्स, ठीक है, देख सकते हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आसानी से उसको रिप्लेस कर सकते हैं और इसके जगह में आप कोई भी जनरल रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको कमेंट, जो अगर कोई भाई लोग जानना चाहता है इसका इक्विवेलेंट, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में ज़रूर बताऊंगा इसका इक्विवेलेंट क्या होगा ताकि आपको आसानी हो। अभी हम लोग इसको पावर देके टेस्ट करेंगे। चलिए इसको टेस्ट करते हैं, वोल्टेज मिला कि नहीं मिला हमको, क्योंकि जितना वोल्टेज हमको चाहिए अगर नहीं मिलता है तो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि इसके चारों ओर जो जो वोल्टेज है, अगर आपको पता हो कौन सा एरिया में कितना वोल्टेज है तो आप इसको आसानी से सही कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले नलील को लगा लेते हैं ताकि हम लोग को मालूम पड़ जाएगा मीटर सही होने पर। नलील अगर ऊपर नीचे होता है तो समझ लीजिएगा कि हाँ मीटर सही हो चुका है शायद। तो ये लीजिए, मैंने पावर दे दिया है, फिर भी नलील में कोई हरकत नहीं है, ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं आया, तो क्या परेशानी है। ये सब कंपोनेंट हम लोगों ने रिप्लेस तो कर दिए, जिस जिस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो सारे कंपोनेंट हम लोगों ने रिप्लेस कर दिए, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, फाइनल देखते हैं क्या परेशानी है इसमें, रिप्लेस करने के बाद भी ये काम क्यों नहीं कर रहा है। परेशानी यहाँ पर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा क्लोज व्यू। अब मीटर की तरफ देखिए, उसके बाद बोर्ड की तरफ देखिएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको, सॉरी मैं इसको 20 वोल्ट में नहीं डाला था, कंटिन्यूटी भी था डिजिटल मीटर मेरा। तो चलिए अभी हम लोग DC सप्लाई को चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए 14 वोल्ट इनपुट हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने कंपोनेंट रिप्लेस कर दिए, वो भी आउटपुट दे रहा है 14 वोल्ट, मतलब ये जो नया वाला हम लोगों ने इंस्टॉल किया वो सही है। रजिस्टर के थ्रू भी 14 वोल्ट निकल रहा है, नीचे वाला रजिस्टर के थ्रू भी निकल रहा है। ये देखिए, नीचे वाला जो रजिस्टर है उसके थ्रू भी 14 वोल्ट हमको आउटपुट ये दे रहा है, पहले नहीं दे रहा था लेकिन अभी दे रहा है। लेकिन जो मीटर के पास, मतलब सॉरी जो प्रोसेसर के पास पहुंचना चाहिए था 14 वोल्ट, ये ट्रैक के जरिए वहां पर 14 वोल्ट नहीं मिल रही है, देख सकते हैं आप। मैं आपको फिर से मेजर करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 14 वोल्ट मिल रहा है हमको। देखिए ये जो ट्रैक है ये इस रजिस्टर के नीचे से होते हुए यहाँ पर पहुँचा है, लेकिन यहाँ पर हमको वोल्टेज नहीं मिल रही है। मतलब ये जो ट्रैक है ये बीच में से कहीं से कट गई है, सड़ गई है, इसलिए IC को 14 वोल्ट नहीं मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर भी वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन दोनों साइड में वोल्टेज हमको मिलना चाहिए,
यहाँ पर देखिए 4.98 के आसपास, मतलब 5 वोल्ट इस लेग में मिल रहा है, और यहाँ पर हमको 5 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन जो 14 वोल्ट का सप्लाई है वो नहीं मिल रहा है। ये देखिए, ये भी सही है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने चेक कर दिया, यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं मिल रही है जो कि मिलना चाहिए वोल्टेज। तो ये जो ट्रैक है, यहाँ से जो ट्रैक, इसमें जो 4.82 या 5 वोल्ट रहती है वो आके यहाँ पर मिलना चाहिए हमको, लेकिन यहाँ पर भी वो वोल्टेज नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग जम्पर करके उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे। 4 वोल्ट हमको मिलना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो ये स्विच नहीं होगा। 13 वोल्ट तो हम लोग जम्पर करके ले लेंगे, लेकिन यहाँ से हमको जो 4 या 5 वोल्ट चाहिए, ये ट्रैक के जरिए से यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ ये कैपेसिटर के पास पहुँचता है, और कैपेसिटर से वो डाइवर्ट होकर दो लेग में इनपुट होता है इसके प्रोसेसर के। तो ये देखिए, यहाँ पर 4.82, मतलब ये 5 वोल्ट है, ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है हमको, ये ट्रैक में यहाँ पर भी मिल रहा है। वही ट्रैक जब नीचे से होता हुआ यहाँ पर पहुँचा है आईसी के जो कैपेसिटर के पास, फिल्टर कैपेसिटर के पास, उसके पास ये वोल्टेज हमको नहीं मिल रहा है। तो चलिए उसको जम्पर मार के फिर उसको टेस्ट करते हैं। तो जम्पर मारने के लिए आप पतला वायर, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला वायर भी यूज कर सकते हैं, और थोड़ा मोटा वाला वायर भी यूज कर सकते हैं। गैप को देख के, जित ट्रैक अगर पास में, ट्रैक पूरा भिड़ के है, मतलब पास पास में है, तो आप थोड़ा पतला वाला यूज कीजिए। अगर ट्रैक के बीच में गैप है तो आप थोड़ा मोटा वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको जम्पर करते हैं। पहले 14 वोल्ट को जम्पर मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर 14 वोल्ट हमको चाहिए, नहीं तो ये फंक्शन नहीं करेगा। ये हो गया एक एंड का जम्पर हमने कर दिया है, दूसरा एंड को हमको सोल्डर करना है, सॉरी, ये दूसरा एंड का भी हो गया जंपर। ठीक है, अभी अभी आप देखिएगा, अभी आप गौर से मीटर की तरफ गौर से देखिएगा। ये देखिए, इसमें 14 वोल्ट आ गया है, आईसी का जो लेग मिसिंग था, मतलब जहाँ पर 14 वोल्ट मिल नहीं रहा था, मतलब इस साइड का ओके हो गया है। अभी यहाँ से हमको स्विचिंग वोल्टेज को जंपर करना है। तो देखिए, मैं जैसा ही स्विचिंग वोल्टेज जंपर करूँगा, ये जो निडिल है वो अपने आप हिलने लगेगी। देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले इस एंड को मैं जंपर मारूंगा, उसके बाद आपको दिखाने के लिए हाथ हटाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये हिल रहा है ना निडिल। जैसे ही इसमें 4 वोल्ट आपको मिल जाएगा, आपका मीटर समझ लीजिए सही हो गया है। अभी मीटर में डिजिट भी आपको मिलेगा और निडिल भी आपका ठीक से काम करेगा, मतलब इसका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर भी मैं आपको एक बार डिस्प्ले लगा कर चेक करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए, एक बार मैं स्विच ऑन करके, स्विच ऑफ करके ऑन करता हूँ पावर स्विच। ये देखिए, पूरा निडिल ऊपर गया और नीचे भी आया। अभी थोड़ा क्लोज व्यू में आपको दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ से जम्पर किया है मैंने। तो ये रहा एक जम्पर, ठीक है, ये रहा एक जम्पर, और दूसरा वाला आपको मैंने पहले दिखा दिया था, वो था दूसरा जम्पर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। फिर से मैं आपको थोड़ा पावर देके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका निडिल जो है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, यानी लगभग मीटर सही हो गया है। फिर भी हम लोगों को डाउट है, क्योंकि जब तक डिस्प्ले इसमें ना इंस्टॉल किया जाए, तब तक हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये पूरा ठीक हो चुका है। तो इस मीटर में हमने क्या क्या कंपोनेंट चेंज किया, ये रहा वो कंपोनेंट। तो कैपेसिटर 6 वोल्ट और 10 वोल्ट के, एक स्विचिंग रेगुलेटिंग ट्रांजिस्टर, और दो रेजिस्टर 333 यानी 33 किलो ओम्स के। तो इतना कंपोनेंट चेंज करने के बाद ये मीटर सही हो पाया है। तो चलिए, इसका जो निडिल है उसको निकालते हैं, और उसका जो डायल है उसको सेट करके फिर हम लोग पावर देके देखेंगे कि इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में रीडिंग नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
चलिए इसको फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका जो डायल है इसमें दो स्क्रू लगा रहता है, तो इससे कोई परेशानी नहीं है। और ये जो क्लाम्प है इसको आप लोग थोड़ा ट्विस्ट कर देंगे प्लेयर के सहायता से, ये क्लाम्प आपका डिस्प्ले को पकड़ के रखता है और बाहर निकलने नहीं देता है, ठीक है। तो ये रहा वो छोटे छोटे स्क्रू, दो ही स्क्रू इसमें लगते हैं। इसको हम लोग पहले टाइट कर लेते हैं, तो चलिए इसको टाइट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या क्या कंपोनेंट खराब था और इसका फॉल्ट क्या था। अगर ऐसा फॉल्ट आपके साथ भी होता है तो आप ये सब सेक्शन को चेक करके, इसको मेज़र करके इसका जो कंपोनेंट है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या अगर कंपोनेंट सही है तो आप लोग इसको जम्पर करके इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि पानी के वजह से ज़्यादातर ट्रैक जो होते हैं वो सड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फिट। इसको अभी हम लोग पावर देके टेस्ट करेंगे। ये देखिए इसमें मैंने पावर दे दिया है, इसका जो डिस्प्ले है ये आ चुकी है और बाइक चला हुआ है 15,936 किलोमीटर, और इसका ट्रिप था 141, मतलब 141.2 किलोमीटर इसका ट्रिप था। देख लीजिए आप एक बार, क्लोज व्यू में आपको दे रहा हूँ। ये रहा इसका ट्रिप का रीडिंग, और ये जो ब्लिंक कर रहा है जो पेट्रोल का सिग्नल, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये जब तक गाड़ी में फिट नहीं होगा ये चुप नहीं बैठने वाला है। जब आप गाड़ी में फिट करेंगे तब ये जितना पेट्रोल है उसके हिसाब से ये रीडिंग दिखाएगा। ये देखिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही जानकारी मेरे पास थी, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं हर वक्त लाता रहता हूँ। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उस टाइम के लिए आपसे विदा चाहता हूँ, नमस्ते। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.